तो आज के हम ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल की। तो जो पिवट टेबल हम पढ़ रहे थे इस क्लासेस में, तो हमने पिवट टेबल में समराइज करना सिखाया, फिल्टर करना, ग्रुपिंग करना, शॉर्टिंग करना, मूविंग करना एंड कैलकुलेशन करना हमने सिखाया, और इससे रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट भी किया। हम बात करेंगे पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल की, राइट सर? तो सबसे पहले जानिए कि एक्सटर्नल पिवट टेबल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक पिवट टेबल का डेटा लेना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एम डेटा की बात करूं, इसी डेटा को मैं उठा लेता हूं, राइट? अब प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने कोई पिवट टेबल, इसमें पिवट टेबल हम लगाते हैं, जैसे हमने पिवट टेबल सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, और मान लीजिए मैंने नेम रख दिया और यहाँ पे प्रोडक्ट वन का टोटल रख दिया। अब क्या है कि अगर मैं कोई कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए इसमें 150 कर दिया, तो जस्ट मुझे रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करते ही मेरा यहाँ पे टोटल अपडेट हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर हमने पिवट टेबल में कोई नई फील्ड्स रखी, जैसे मैंने मान लीजिए एक नया नाम दे देता हूँ, मैं देता हूँ योगी, योगेश सही है, एक नया नाम रवि दे देता हूँ, तो एक नया नाम मैंने क्या किया, रवि दे दिया। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो रवि यहाँ पे नहीं आया। तो रवि ना आने के पीछे रीजन क्या है? रवि ना आने के पीछे रीजन यहाँ पर यह है क्योंकि हमने जो पिवट टेबल लगाई थी वो 104 पे थी, A105 है, तो रेंज अपने आप इंक्रीज नहीं होता है पिवट टेबल में। ठीक है, पिवट टेबल रेंज जो है अपने आप इंक्रीज नहीं होता है, इसको इंक्रीज करना पड़ता है। कैसे करते थे, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पिवट टेबल एनालाइज में चेंज डेटा सोर्स है, यहां से पिवट टेबल को रिसाइज करते थे। बट यही भी प्रॉब्लम आ गई कि मेरा डेटा रिपोर्ट्स है, मेरा रिपोर्ट्स मतलब पिवट के जरिए हम रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमारे हर दिन का डेटा कॉपी पेस्ट होता है, तो डेटा हमारा कॉपी पेस्ट हो तो कॉपी पेस्ट होते ही क्या हो, पिवट हमारा अपडेट हो जाए। अब यहां पे ये चीज की प्रॉब्लम होगी कि कैसे होगा। तो इस चीज से निपटने के लिए हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तो यहां पे हम आते हैं पिवट टेबल, और यहाँ पे हम बोलते हैं चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, और इसमें जाते हैं चूज कनेक्शन, और चूज कनेक्शन में यहाँ आते हैं। अभी क्या है कि ये जो जिस डायल आपका डिस्टेंसली ऐड किया गया पिवट है एक्सटर्नल डेटा के थ्रू, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो ब्राउज फॉर मोड पे जाए और अपनी जो फाइल है हमारा ये फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट कर ले। तो एम डेटा है न्यू फोल्डर में, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया एंड ओपन, और एक बार में एक ही सीट से लगेगा तो आपको सीट बताना पड़ेगा, डेटा सीट एंड ओके एंड ओके। अब मैं यहाँ पे पिवट टेबल को बनाता हूँ, देखिए रवि आ गया और यहाँ पे मैं P1 का टोटल करता हूँ। अब मुझे इसमें एक नया नाम मैं ऐड करता हूँ, मैं अपने बेटे का नाम ऐड करता हूँ देव, अब मुझे इसमें पिवट पे जस्ट जाके रिफ्रेश करना है, और रिफ्रेश करते ही देव आ गया, मुझे यहाँ पे पिवट को रिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा कि क्या एक कॉलम नहीं ले लेता है, कॉलम को भी ट्राई मैंने नहीं किया, चलिए मैं एक कॉलम ट्राई करता हूँ, क्या कॉलम को भी इंक्रीज कर लेता है या नहीं करता है। अभी क्या है, मेरा कॉलम P6 तक है,
एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक कॉलम को रिसाइज नहीं करता है। आपने देखा यहाँ पे P6 नहीं आया, P7 नहीं आया, P6 तक ही था। तो ये आपका सिर्फ रो को रिसाइज करता है, कॉलम को रिसाइज नहीं करता है, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है? समझ में आया सर? अब एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाने की जो हम लगाते हैं उसका कुछ रूल समझ लीजिए। रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले जो आपके पास डेटा है वो डेटा स्टार्टिंग से होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलम वन को हेडिंग समझ लेता है। अगर कॉलम वन में हेडिंग नहीं होगा तो फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड थ्री लेके चल देगा। इसलिए आपके कॉलम वन में हेडिंग होना चाहिए, आपको कोई ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें कोई अगर हेडिंग नहीं है तो नॉर्मली तो पिवट नहीं लगता है, बट इसमें एक्सटर्नल में लग जाएगा, इसको फील्ड वन, फील्ड टू या कॉलम वन, कॉलम टू, इस तरह का प्री डिफाइंड जो है फील्ड है वो फील्ड नेम यहाँ पे डाल देगा, ठीक है सर? और जैसा कि मैंने बताया कि कॉलम को रिसाइज नहीं करता है, रो वाइज ही लेके चलता है। रो में जो भी डेटा इंक्रीज होगा तो रिसाइज कर लेगा। अब बात करते हैं कि एक तरीका यह था कि हम डेटा को ऑटोमेटिकली रिसाइज करने के लिए, पिवट डेटा को रिसाइज करने के लिए हम एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज करते हैं। क्या कोई और चीजें भी है क्या? जी हाँ, कोई और चीजें भी है पिवट के डेटा को एक्सटर्नल पिवट टेबल यूज करने के लिए। जैसे कि आपके ऑफिस में बड़े बड़े फाइल्स होते हैं, कि कोई ऐसा फाइल होता है जिसको डम्प फाइल कहते हैं, जो काफी बड़ा फाइल होता होगा। जब भी उस फाइल को आप ओपन करते हैं तो आपसे काफी टाइम या परसेंटेज कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखाता होगा, बहुत लंबा टाइम की कैलकुलेशंस लेता होगा, और जब भी उस पर कुछ करते होंगे तो फिर भी वो टाइम लगाता होगा, परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज वगैरह दिखाता होगा। तो यहाँ इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। मतलब कि अगर आप पिवट किसी बड़े डेटा से पिवट इस सीट में कैच कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको उतना बड़ा डेटा, उतना ज़्यादा आपको हैंग डेटा नहीं होगा, नॉर्मली वर्क करेगा। तो यहाँ हम जाते हैं इंसर्ट पे, एक नई वर्कबुक लेते हैं, उस पर हम पिवट टेबल पे जाते हैं, चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। रॉबिन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और यहाँ हम चूज कनेक्शन पर जाते हैं, ब्राउज पर मोड पर आते हैं, और अपना फाइल जिस लोकेशन में पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे हम चले जाते हैं। और फाइल को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन, और यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन, एंड फिर ओके कर देते हैं। तो आपका दूसरे किसी फाइल में आपका पिवट लगा हुआ है। ठीक है सर। दूसरे किसी फाइल में आपका पिवट लगा हुआ, तो इस तरह से आप पिवट टेबल यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम हैंग होगा। दूसरी चीज क्या होता है, डेटा भी सिक्योर होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इम्पोर्टेंट डेटा है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं उसको कोई छेड़छाड़ तो ना कर दे, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है सर? ओके सर।
दूसरा यहाँ पे आता है कि हम अलग सॉफ्टवेयर से भी ले सकते हैं, जैसे हमारे डेटा का पिवट टेबल पे पड़ा हुआ है, सॉरी इस पे एमएस एक्सेस डेटाबेस पे, तो यहाँ हम जाएंगे ब्राउज़ पर मोड और यहाँ एमएस एक्सेस से भी अपना ले लेंगे। यहाँ पे हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स में और जहाँ पे एमएस एक्सेस का जो डेटा है उस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, या एम डेटा ये इसी को ले लेता हूँ, हाँ ओके किया। अब इसमें एक ही सीट होते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको दिखाता है, एंड देखिए आपके सामने कनेक्ट हो गया, एमएस एक्सेस में डेटा पड़ा हुआ था और हमारा पिवट जो है एक्सेल में लग गया। तो एज ए पिवट टेबल हम उसको कर सकते हैं कमांड। और एमएस एक्सेस का यूज हम थोड़ा सा पिवट में जब रिलेशनशिप वगैरह होता था यूज करते थे, बट अब तो पावर पिवट आ गया तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी, बट जो लोअर वर्जन थे 2007 वगैरह में उसमें हमें काफ़ी जरूरत पड़ती थी। तो आप एमएस एक्सेस से इस तरह से पिवट लगा सकते हैं किसी और डेटा सोर्स से। अब क्वेश्चन आता है क्या हम नोटपैड से लगा सकते हैं, हालांकि मैंने नोटपैड में कभी ट्राई नहीं किया था, तो एक बार हम चलिए नोटपैड में भी ट्राई कर लेते हैं। डेटा एंड ओपन। अब यहाँ पे आपको डिलिमिटेड करना पड़ेगा कि भाई रो एंड कॉलम कौन सा है, तो हम बोला टैब वाइज हमने लिमिटेड कर दिया, नेक्स्ट एंड यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया एंड ओके। द टाइप ऑफ द कनेक्शन सिलेक्टेड कैन नॉट बी यूज क्रिएट द पिवट टेबल, नहीं इससे हम नहीं कर सकते पिवट, सीएसपी वगैरह से कर सकते हैं बट नोटपैड से नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे एक न्यू सोर्स आ रहा है, जैसे कि आपके पास सर्वर्स है, जैसे कि आपके एसक्यूएल सर्वर हो गया, आपके पास ऑरिकल हो गया, ऐसे सर्वर्स के लिए आप यहाँ न्यू कनेक्शन विजार्ड पे आएंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर लेंगे या फिर जो भी यूनिवर्सल सर्वर आपके सिस्टम में हो उसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सर्वर नेम यूजर नेम पासवर्ड करेंगे। तो इसके लिए आपके सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, अच्छा आप सर्वर यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज मान लीजिए कुछ ऐसी कनेक्शंस हैं जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि वो न्यू सोर्स में करेंगे या क्या करेंगे, तो उसकी पूरी पाथ यहाँ पर लेके पेस्ट कर दीजिए, वो अपने आप बढ़ा देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा लेता हूँ, गूगल का नियम लग रहा है चेंज हो गया, फाइल को डाउनलोड नहीं करने देता है, पहले फाइल ढूंढ के बताया जाता था कि फाइल ये है और डाउनलोड हम लोग कर लेते थे। एक फाइल में डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए एक हमारा ये एक डेटा सिंपल है और मुझे इसको बार बार इस लोकेशन से डाउनलोड करने होते हैं, इस लोकेशन से डाउनलोड बार बार करने होते हैं, तो हमने इस लोकेशन को कॉपी पेस्ट कर लिया, तो बार बार मुझे डाउनलोड करके फिर उसको वापस पेपर पे लगाना होता है, तो उससे अच्छा है कि हमने उसकी लोकेशन को कॉपी कर लिया और फिर हमने यहाँ पे उस लोकेशन को पेस्ट कर दिया एंड ओपन। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा,
थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा ये। अभी तो अपना सीट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सीट है एंड ओके। देखिए पिवट टेबल लग गया सर। अब जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो फिर अगेन उस लोकेशन से पिवट टेबल को डाउनलोड करेगा और डेटा को कॉपी करके पिवट के बैकएंड में डाल देगा। तो ये मेरा लाइव मेरे यूआरएल से कनेक्टेड हो गया। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट उसमें? तो अभी तक जो हमने पिवट टेबल किया ये 2007 तक का पिवट टेबल था, राइट। अब इससे आगे के पिवट टेबल है उसके लिए आपके पास 13, 16, 19 होना चाहिए। क्या सबके पास ये तीनों में से कोई एक वर्जन है? किसी के पास 7 तो नहीं है? क्योंकि अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है स्लाइसर्स, उसके बाद आता है पावर पिवट, पावर क्यूरी, जिसके बारे में हम आपके साथ कल से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अभी तक जो पिवट टेबल हमने पढ़ा है उसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम पिवट टेबल के बारे में स्लाइसेस के बारे में पढ़ेंगे।